10 नवंबर को कई प्रमुख मीडिया संगठनों ने खबर दी कि कुश्ती की नेशनल महिला प्लेयर निशा दहिया की मौत हो गई। खबर में बताया गया कि सोनीपत में कुछ बदमाशों ने निशा पर हमला किया। इसमें निशा और उसके भाई की मौत हो गई। बता दें कि निशा दहिया ने रेसलिंग अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 65 किलो की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेशनल प्लेयर निशा की मौत की खबर शेयर करने वालों के लिस्ट में एबीपी लाइव, नवभारत टाइम्स, डेक्कन हेरल्ड, india.com, हिंदुस्तान टाइम्स, तमिल एशियानेट न्यूज और प्रभात खबर शामिल है। इन आर्टिकल्स को फिलहाल अपडेट या फिर डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल्स के लिंक में ये दावा साफ नजर आता है। हालांकि इस दावे के वायरल होते ही निशा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए खुद की मौत की खबर गलत बताई थी। वीडियो में वो क्या कहती है ये आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज़ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बीच पीटीआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि सोनीपत में निशा दहिया नामक जिस खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई वो कोई और ही है। सोनीपत के एसपी राहुल शर्मा के हवाले से एएनआई ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मृतक निशा दहिया और नेशनल लेवल मेडलिस्ट निशा दहिया दोनों अलग अलग है। कुल मिलाकर मीडिया संगठनों ने नामों की समानताओं की वजह से ये गलत दावा किया कि नेशनल लेवल कुश्ती प्लेयर निशा दहिया की सोनीपत में गोली मारकर हत्या कर दी गई।